भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान के तहत चौथे चरण में आज प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसी कड़ी में आज राजधानी जयपुर में जयपुर शहर भाजपा की ओर से जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। भाजपा विधायक अरुण चरण सर्राफ ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों से कर्ज माफी का जो वादा किया था वो आज भी पूरा नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित हल्ला बोल कार्यक्रम के चौथे चरण में आज हर जिला स्तर पर जिलाधीश को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधि और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ आज हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें जो कांग्रेस के 20 महीने के शासनकाल में जो उन्होंने प्रदेश की जनता से वादे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया, उसके खिलाफ आज हमने ज्ञापन दिया है। चाहे वो किसानों का कर्जा माफ़ किए जाने का सवाल हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात हो, चाहे प्रदेश की कानून व्यवस्था निरंतर बिगड़ती जा रही है, इन सब बातों को लेकर हमने आज जिलाधीश को ज्ञापन दिया है। उसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो अगले चरण की घोषणा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी निश्चित रूप से आगे करेंगे।